કેલેન્ડર નવા વર્ષ 2020ને આવકારવા અને 2019ને વિદાય આપવા 31મી ડિસેમ્બરના દમણની હોટલમાં લાસ્ટ નાઇટ પાર્ટી વિથ ગાલા ડિનરની ધમાલ મચતી હોય છે. ગુજરાત જ નહીં પરંતુ અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ હજારો પ્રવાસીઓ દમણમાં આવી વર્ષના અંતિમ દિવસે નવા વર્ષને વધાવી આનંદની ક્ષણો માણે છે. જે માટે દમણમાં આવેલી તમામ હોટલ રિસોર્ટ મેનેજમેન્ટ અઠવાડિયા પહેલા જ પ્રવાસીઓને આવકારવા સજ્જ બન્યું છે. જો કે આ વખતે કેટલીક હોટલ સંચાલકો ગત વર્ષની તુલનાએ નવું આકર્ષણ ઊભું કરવાની દૂર રહ્યા છે. દમણમાં દર વર્ષે વર્ષના અંતિમ દિવસે અને નવા વર્ષને વધાવવા ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશથી હજારો પ્રવાસીઓ આવે છે. પ્રવાસીઓ લાસ્ટ નાઇટમાં ડીજે પાર્ટી, ઓર્કેસ્ટ્રા પાર્ટી, ગાલા ભેટ ડિનર અને અનલિમિટેડ વાઇનનો આનંદ ઉત્સાહ સાથે ઉઠાવે છે. આ દરમિયાન તેઓ દમણથી 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર કે 5 સ્ટાર હોટલ રિસોર્ટમાં પોતાના પરિવાર સાથે આનંદની ક્ષણો માટે આવે છે. દમણમાં જોવાલાયક સ્થળો, દરિયા કિનારો પર હરવા ફરવાની મજા માણે છે. હાલ 31મી ડિસેમ્બરને ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે પ્રવાસીઓને આકર્ષવા અને ઉત્તમ સુવિધાઓ પૂરી પાડવા દમણની હોટલો નવા સાજ સરકાર સાથે સજ્જ થઈ રહી છે. અભી હમ લોગ કા બુકિંગ 50% કે ઉપર હો ચુકા હૈ. અભી આને મે હપ્તા બાકી હૈ તો હમ સાચતે હૈ કે 100% બુકિંગ હો જાયેગી. અબ કિસ તરહ કી પૂરી તૈયારીયાં હૈ? અબ કી બાર હમને બહોત સારી તૈયારી કી હુઈ હૈ. પૂરી હોટલ લાઇટિંગ સે સજા કે રખી હૈ, ડીજે કા પ્રોગ્રામ રખે હૈ, સાથ મે ફાયર વર્ક્સ ઓર અચ્છે અચ્છે ક્યુઝિન ખાને કે રખે હૈ. ખાસ કરકે સેન્ટ ડિઝોક કી બાત કી જાય તો યહાં કા સી ફૂડ ફેમસ હૈ, તો કોન સી વેરાયટી ઇસ બાર રહેગી? हम लोग के यहाँ इस बार हम लोग एकदम फ्रेश पॉम्फ्रेट, धारा, प्रॉन्स जैसे वेराइटीज रखी है. जितेंद्र पारे, आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ होटल मीरामार देवका बीच दमन. सर, खास करके बात की जाए 31st की, वो 31st के लिए हमारी जो होटल है वो प्रवासियों में काफी प्रचलित भी है. किस तरह की तैयारियां इस बार हम लोगों ने की है? इस बार हमारे इधर पहली बार डीजे रहेंगे, डीजे नुमन NM, अ वेरी फेमस डीजे फ्रॉम बॉम्बे. We have done a little change. Every time it was orchestra, this time we are having a DJ with gala dinner. That's, and we also have a function in front. खास करके booking की बात की जाए तो अभी booking की response काफी अच्छी है. In spite of लोग बोलते हैं कि market down है, we are touch wood, we are having very good response for the bookings. And we have the kept the rate also very reasonable. अच्छा, हमारा जो मतलब की बुकिंग रेट होता है वो कहाँ से कितने तक हो सकता है? अपना रूम का पैकेज जो है वो 11,000 से शुरू होके 24,000 तक है और पार्टी का जो है वो है 1,700 रूपया पर पर्सन. खास करके सी फूड की सबसे बड़ी वेरायटी होती है, तो हमारे इस बार किस तरह की ये पूरी वेरायटी रहेगी? हमारे इधर इस बार सब कुछ रहेगा. चिकन रहेगा, मटन रहता है, फिश रहता है, सब कुछ रहता है, बिरयानी रहेगा, एवरीथिंग. बच्चे लोग के लिए लाइव पास्ता काउंटर वगैरह रहेंगे और काफी 4 से 5 तरीके का मिठाई, 2-3 टाइप का आइसक्रीम. सो वी आर कम्प्लीटली गेयर्ड अप फॉर 31st. फिलहाल जो तैयारी की बात की जाए तो हमारी तैयारी किस तरह से चल रही है? रोशनी से किस तरह से वो होटल को सजाया जा रहा है? कुक की क्या तैयारी रहती है? कुक की इस टाइम में लोग पहले से ही तैयारी करना चालू करते हैं क्योंकि वो दिन काफी बिजी रहते हैं. अपना सामने का लॉन में भी काफी बड़ा पार्टी रहता है और किचन तो ऑलवेज ऑर्डरिंग, सब लास्ट मोमेंट का काम चालू है. सब फाइनल ऑर्डरिंग, सब चीज ऑर्गेनाइज करना, सबसे कोऑर्डिनेट करना, डीजे, जो इवेंट होने वाला है इवेंट वालों से, तो उसी में सब पूरा तैयारी जोरों से चालू है. खास करके बात की जाए अपनी होटल की, 31st की तैयारी होगी, किस तरह की पूरी तैयारियां है और किस तरह का बुकिंग हो रहा है? 31st जैसे इस बार की आपको पता है मंगलवार को पड़ रहा है, वीकडे है, तो वो हिसाब से हमने बुकिंग ये रखी है. और जैसे आपको पता है लास्ट ईयर से हमारा जगह भी थोड़ा सा कम हो चुका है, तो वो हिसाब से लास्ट ईयर जैसे हमने 350 लोगों के लिए अरेंज किया था, इस बार हमारा 270 का टारगेट है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बुकिंग्स हमारी कन्फर्म हो चुकी है वो 31st के हिसाब से जैसे क्राउड आना था उस तरह के नहीं है. बट फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं हमारी तरफ से कि जैसे गेस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो. जैसे 31st के लिए हमारा हमेशा की तरह रहा है कि बेस्ट खाना रहे, बेस्ट खाना, ड्रिंक्स और डीजे. इस साल भी हमारा वही मोटो है कि हम कैसे बेस्ट गेस्ट को सर्विस और खाना दें. क्या डिशेस की वेराइटीज रहेगी और इसका जो रेट है वो क्या क्या रहता है? डिशेस की वेराइटी जैसे हमारा स्पेशल गाला डिनर है इस बार का, क्योंकि हमारा इस बार का प्लस पॉइंट वही है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट नहीं है डीजे छोड़ के. तो
इसमें सी फूड में सारी वैरायटी है, आपको वेज नॉन वेज ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, गेस्ट खाना काफ़ी एंजॉय करेंगे। गोल्ड बीच का खाना वैसे ही यहाँ का फेमस है, सो वो गेस्ट को एक प्लस पॉइंट है। प्लस चार्जेस जो है हमारे, हमने कपल एंट्री रखा है 8,000 इंक्लूडिंग टैक्सेस, और रूम के साथ अगर कोई ले रहा है तो 21,000 का हमारा रूम पैकेज है डिलक्स रूम।